नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट आइडियाज और मैं हूं आपके साथ शक्ति मिश्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जिस मशीन की हम डेमोंस्ट्रेशन करने वाले हैं या जिस बिजनेस के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये मशीन है पेपर नैपकिन मशीन। तो शुरू करने से पहले करूंगा एक रिक्वेस्ट, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं रॉ मटेरियल की बात करूं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे टिश्यू पेपर का एक रोल है। इस मशीन पे जो है आप देख पाएंगे कि यहां पे टिश्यू पेपर का एक रोल है पीछे की तरफ, ये यहां पे लगा होता है, इसके ऊपर जा रहा है। जैसे ही यहां पे ऊपर यहां पे पेपर पहुंचता है तो यहां पे आप देख सकते हैं प्रिंटिंग हो जाती है, यहाँ पे ब्रांडिंग हो जाती है पेपर के ऊपर। जिस होटल पे भी आप सप्लाई करना चाहें उनके नाम की भी आप यहाँ पे ब्रांडिंग कर सकते हैं, नहीं तो आपके कंपनी का नाम यहाँ पे डालकर जनरल मार्केट के लिए आप इसको सेल कर सकते हैं। अगर मैं आगे के हिस्से की बात करूँ तो यहाँ से जो है पेपर बनकर निकलता है और आप यहाँ पे प्रिंटिंग होने के बाद पेपर यहाँ से आप देख सकते हैं कि वापस निकल कर यहाँ पे जो है पेपर नैपकिन की मैन्युफैक्चरिंग यहां पर हो जाती है। यहां पे पेपर की नैपकिन बनने के बाद स्टोर हो जाता है, यहां पे स्टोर हो जाता है। आप देख सकते हैं यहां पे एक कटर लगा हुआ है और इन पेपर को जो है ये कटर कट कर देता है। कट होने के बाद नैपकिन यहाँ पे कारीगर के हाथ में आता है और कारीगर जो है यहाँ से इस नैपकिन को पैक कर देता है। पैकेट बनकर तैयार है सेल होने के लिए और सप्लाई होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक बार मशीन का पूरा जायजा अगर मैं आपको देना चाहूं तो आप यहां पे देख सकते हैं, ये एक मशीन है, यहां से जो है इस मशीन को कंट्रोल किया जाता है। यहां पे आप देखेंगे यहां पे कुछ इसके पैरामीटर्स हैं जो कि यहां पे सेट किए जाते हैं और यहां पे स्टार्ट का जो है ऑप्शन है, यहां पे स्टॉप कर सकते हैं। ये दोनों तरफ से जो है हिस्से को आप सुचारू रूप से चला सकते हैं, राइट वाले भी और लेफ्ट वाले भी। से 11.5 रुपए के आसपास एक पैकेट की मैन्युफैक्चरिंग लागत लगती है। इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, रॉ मटेरियल का खर्चा, मेंटेनेंस सब कुछ शामिल है। 11 से 11.5 रुपए आपको इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगा और मार्केट में इसे आप 17 से 18 रुपए में सेल कर सकते हैं। अगर आप इसी को होलसेलर को सप्लाई करना चाहते हैं तो 15 से 16 रुपए के आसपास वहां भी सप्लाई कर सकते हैं। तो इस बिजनेस के अंदर पर पैकेट आपको 3 से 4 रुपए जो है आपको इसके अंदर बेनिफिट होगा। ये जो बिजनेस है ये मोनोपोली का बिजनेस है, तो जैसा आपका जो है खरीदार होगा वैसा आप रेट बनाकर इसे बेच सकते हैं। अच्छा खासा मुनाफा इस बिजनेस के अंदर आप एक लघु उद्योग कमाकर कर सकते हैं। अगर मैं पूरे यूनिट की बात करूँ तो करीब करीब 7 लाख रुपए के आसपास, 7 से 8 लाख रुपए में आप इस यूनिट को शुरू कर सकते हैं। पेपर नैपकिन मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट को 7 से 8 लाख रुपए में आप शुरुआत कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो 8 घंटे में 100 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी यह मशीन कंज्यूम कर लेती है। अगर मैं पूरे मशीन की बात करूं तो इस तरह से यह मशीन आपको दिखता है। अगर मैं रेट की बात करूं तो जो टिश्यू नैपकिन की जो मशीन आती है, जो कि होटलों में या कहीं भी आप देख सकते हैं जहां पे लोग यूज करना पसंद करते हैं ज्यादातर, अगर मैं इस मशीन की बात करूं तो क्या कॉस्ट में आप कम से कम दे सकते हैं? वो बेसिक रेट है 5,51,000। अच्छा, फिर उसके ऊपर में 18% GST लगता है। अच्छा, फिर ट्रांसपोर्ट जो है वो
वो लगता है। अगर रेट की बात करें, नेगोशिएबल है या नेगोशिएबल नहीं है? नहीं, ये रेट सही रखा हुआ है एज अ चाइना की कंपैरिजन में। अच्छा, तो अपने इंडिया वाले लोगों को सही रेट में मशीन मिले। अगर हम पेपर नैपकिन बिजनेस की बात करें तो कितने में कितने पूंजी तक इस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है? ये करीब करीब 8-9 लाख रुपए तक, 8-9 लाख रुपए के आसपास पूरा प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। अगर हम मशीन की बात करें तो इसकी प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी कितनी है? इसकी प्रोडक्टिविटी 1800 पैकेट से 2000 पैकेट पर 8 आवर्स का प्रोडक्टिविटी। 8 घंटे के अंदर, 8 घंटे अगर आप काम करते हैं तो रोज 1800 पैकेट के आसपास आप मैन्युफैक्चर इस मशीन से टिश्यू नैपकिन या टिश्यू रोल जो भी है, नहीं, पैकेट टिश्यू नैपकिन का जो पैकेट है, इस तरह का 1800 पैकेट आप एक दिन में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं टॉयलेट रोल की, तो इसकी क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी है? इसकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, लाइक 3000 रोल पर 8 आवर्स, 10,000 रोल पर 8 आवर्स, 12,000 रोल पर 8 आवर्स। ये मशीन के ऊपर डिपेंड है। हाँ, ये मशीन के ऊपर में डिपेंड है जी। आपने बेसिक भी अगर स्टार्ट करते हैं तो 3000 या 4000 की प्रोडक्शन कैपेसिटी। और इसके मशीन की क्या कॉस्ट है? इसके मशीन की कॉस्ट 4.5 लाख रुपया बेसिक से स्टार्ट होता है। अच्छा, उसके ऊपर 14-15 लाख रुपए तक भी जाता है। मतलब इस बिजनेस को अगर हम शुरू करना चाहें पेपर रोल वाले की और पेपर नैपकिन, दोनों एक मशीन से बन सकता है? नहीं, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट मशीन आता है, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस आता है। नैपकिन में भी डिफरेंट डिफरेंट साइजेस आती है जी, लाइक 22x22 है, 25x25 है, 27x27 है, 30x30 है जी जी जी। अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट की, तो ये कितने में शुरू हो सकता है जो टॉयलेट रोल की जो मशीन आती है? तो टॉयलेट रोल की 4.5 लाख की मशीन है, 18% जीएसटी है, वो भी 7-8 लाख रुपए में स्टार्ट शुरू कर सकते हैं रॉ मटेरियल के साथ। अगर रॉ मटेरियल की मैं बात करूं, तो क्या आपके पास ऐसा कॉन्टैक्ट है जो कि अगर आपसे कोई मशीन खरीदता है तो आपको रॉ मटेरियल के बारे में आप उसको गाइड कर सकें? एक्चुअली क्या है कि हम लोग टिश्यू पेपर रॉ मटेरियल के भी ऑथोराइज सप्लायर है 4 पेपर प्लांटों के। अच्छा, तो हम लोग गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, गोवा और हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अच्छा, इसका रॉ मटेरियल युगांडा, घाना, केन्या जी जी जी, श्रीलंका जी जी जी। सो अगर आपको रॉ मटेरियल भी चाहिए तो यहाँ से राजश्री इंटरप्राइज से आप ले सकते हैं रॉ मटेरियल भी। ये था पूरा कैलकुलेशन कि अगर आप पेपर, अगर आप टिश्यू नैपकिन या टिशू का जो रोल आता है टॉयलेट का रोल, अगर आप इसका बिजनेस करना चाहते हैं तो इस तरह से ये बिजनेस काम करता है। राजश्री इंटरप्राइज का कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डाला हुआ है, वहां से कॉन्टैक्ट नंबर लेकर आप इनसे बातचीत कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए लघु उद्योग और स्मार्ट आइडियाज के साथ। तब तक देखते रहिए स्मार्ट आइडियाज। भारत माता की जय, और अपने माता पिता का हमेशा ख्याल रखें। जय हिंद।